अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बैलगाड़ी तो गाइस, आज हम बात करेंगे मनी मिराज भाई के बारे में कि हम गए तो वहाँ क्या क्या और बात किए। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए, चलते हैं अभी, हम आपसे बात करेंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अभी तक आप नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस जब हम मनी मिराज के गांव पहुँचे, यानी साहेबगंज से दुर्गा चौक गए, यानी हम बस से गए थे। मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था बस से जाने में बहुत दिक्कत हुआ, हम गए मोतिहारी से फिर साहेबगंज से उनके गांव। तो उनका ऑफिस है जो साहेबगंज में ही ऑफिस है उनका, बस साहेबगंज चौक से थोड़ा दूर है। तो मुझे तो मालूम नहीं था कि उनका ऑफिस किधर है, क्योंकि पहली बार हम गए थे और ना मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर था उनका। बस ऐसे ही वीडियो में देखा था साहेबगंज से दुर्गा चौक, तो मुझे बस इतना ही मालूम था, बस अपने आइडिया से ऐसे ही चले गए। तो गए तो रास्ते में तो दिक्कत नहीं हुआ, बस वही आने के वक्त रात हमने रास्ते में बिताया। बहुत ही बिजी रहते, बहुत लोग उनसे मिलने आए थे, बहुत दूर दूर थे। ये वीडियो देखिए। तो गाइस वीडियो देख लिया, देखिए ये सब कहाँ से आए थे, एक से यानी बहुत बहुत दूर से आए थे। तो जब हम साहेबगंज पहुँचे उसके बाद हम चले गए उनके जो गांव वाला चौक है दुर्गा चौक, वहाँ चले गए। तो वहाँ गए तो मालूम हुआ कि उनका यहीं पे एक दुकान है, उनका भाई और उनका अब्बा रहता है। तो उनके अब्बा से बात हुआ और उनके अब्बा फ़ोन किए कि आए हैं। अब हम फिर गांव में आ गए, अब निकलते हैं, थोड़ा देर है बस, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो गाइस जब उनके अब्बा उनको फ़ोन करके बोले कि कोई आदमी आया है मिलने, फिर उनके अब्बा मुझसे पूछे कि कैसे आए हैं। तो हमने उनको बताया, हम जैसे गए थे उनको बताया, उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया तो बोला ठीक है, हम अभी काम कर रहे हैं, ऑफिस में है, बिजी है। तो फिर हम वहाँ से वापस आए उनके ऑफिस के पास आए तो आपने जो पहले वीडियो देखा कितने सारे लोग खड़े हैं उनसे मिलने के लिए, कुछ तो चले आए थे। उसके बाद हम वीडियो बनाए, हम भी वहाँ जाके बहुत वेट किए। तो जब हम आए उनके ऑफिस के पास तो ऐसा भीड़ लगा हुआ था, हम एक बैग से वो हो गए कि इतना सारा भीड़ है, मनी मिराज भैया मिलेंगे नहीं मिलेंगे। फिर भी हम वेट किए, इंतज़ार का फल मीठा होता है, ये हम नहीं कर रहे, बहुत पुराने लोग कह के गए हैं और सही भी बात है। और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, बस मेहनत करना है। तो मनी मिराज भैया बाहर निकले, उसके बाद कुछ बात किए, यानी जो मुझसे पहले आए थे वो सब अपना पहले बात किए, क्या क्या काम था उनका, वो सब काम के बारे में अपना बात किए। उसके बाद वो लोग चले गए, तब एक दो और आदमी बचा था तो उनको बोल दिए कि वेट करो, पहले इनसे बातें कर लेते हैं। तो मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने बोला कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ, मेरा ब्लॉग का चैनल है, मैं कोई न्यूज वीडियो नहीं बनाता हूँ, बस मैं आपसे बस कुछ बातें पूछने वाला हूँ। जो कि मुझे यहाँ पे एक दो साथी भी बोले हुए थे कि कॉमेडी वीडियो उनका काफ़ी अच्छा चलता है, उनके बारे में पूछना। और गाइस हम और भी कुछ पूछने वाले थे ज़्यादा, लेकिन हम जाने के बाद मुझे जानते हैं ना, हर बार में भूल गए। अब चलेंगे नेक्स्ट टाइम जाके, फिर से हम नेक्स्ट टाइम जाने वाले हैं और हम फिर से बहुत सारे बात करेंगे।
और गाइस हमने गांव को पार कर लिया और हम फिर से बात करेंगे अब खेसारी लाल जी के बारे में बात करेंगे। खेसारी लाल जी मौलापुर आने वाले हैं, वहां एक यज्ञ होने जा रहा है, क्या बोलते हैं शिवरात्रि के दिन वो आने वाले हैं, यानी नेपाल के भी बहुत सारे कलाकार आने वाले हैं, तो हम वहाँ जाएंगे। अब हम सोच रहे हैं एक बार खेसारी भैया से भेंट कर ले, उनसे भेंट करेंगे उसका और उनके बारे में भी थोड़ा उनसे भी थोड़ा हम बात करेंगे, जो कि आप वीडियो में हमारे चैनल पे देखिएगा। तो अभी हम आ गए ये झूला वाला पुल के पास, चलते हैं थोड़ा इधर घूमते हैं, उसके बाद हम ये पुल को पार करेंगे, ऐसे घूम के आते हैं पहले। तो गाइस हम जब जाएंगे उनसे मिलने के लिए हम बात कर रहे हैं, यानी अपना लिंक लगा रहे हैं, अगर कहीं मिल गए तो बहुत अच्छा है देख, और नहीं मिले तो थोड़ा दुख तो होगा, क्योंकि उनसे मिलने के लिए यानी बहुत दूर जाना पड़ेगा और वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो मिल जाते तो अच्छा हो जाता। बस यही सोच के जा रहे हैं, बात करेंगे, कल चलेंगे वहाँ मौलापुर और देखेंगे कहाँ पे हो रहा है वो जो माधवी क्या होने वाला है, कौन सा यज्ञ का नाम है अभी हम भूल रहे हैं। चलते हैं झूला वाला पुल पार करते हैं, इधर से तो जाने का रास्ता नहीं है। ये अभी बहुत अच्छा हो गया, पेंट सेंट हो गया, ये पूरा पार्क जैसा अच्छा हो गया। जाएंगे आपको तो मालूम है, पहले के वीडियो में कितने बार बोला है हम क्या करते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, ये वो बहुत बहुत बड़ा बड़ा ब्रेकर है। ये देखिए ये भी ब्रेकर कितना बड़ा है। तो गाइस वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइए, वीडियो देखिए, हम फिर से वापस आ गए आपके पास। तो गाइस अभी हम आ गए घर, खाना उना खा के थोड़ा वीडियो एडिटिंग में लगे थे, अब अभी हो गए रात के, कितना बज रहा है मुझे नहीं दिख रहा है, 10:25, अब दिखा डिस्प्ले का लाइट ज़्यादा आ रहा है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं सोने, और एक नासिन का आज यहाँ गिर गई है, नाक छिला गया है, देखते हैं कल कैसा रहता है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे मौलापुर, जाएंगे तो आपको वीडियो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, लेकिन जाएंगे खेसारी भैया से मिलने जाएंगे, और कल नासरीन को देखेंगे सुबह में कैसा है, आप वीडियो में देखिएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, नमस्ते, अच्छे से रहिए, मज़े में रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।